हे गाइज यार, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइज यार, ये जो वीडियो है ये पार्ट फोर्थ होने वाला है, बिकॉज जो हम लोगों ने पिछला वीडियो अपलोड करा था पार्ट थ्री, उसमें हम लोगों ने लिप्स को ड्रॉ करा था। बाकी इस वीडियो में हम लोग पूरा जो फेस है, फेस को शेड करने वाले हैं, और देख सकते हो मैं किस तरह से करूँगा। इस वीडियो में हम लोग को बहुत ही अच्छे से शेडिंग देखने को मिलेगा, और शेडिंग टिप्स वगैरह मिलेंगे, कैसे आप लोग फेस को शेड कर सकते हो स्मूथली, और काफ़ी जो भी टेक्स्चर वगैरह वो कैसे दे सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग अच्छे से देखना, पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देख सकते हो मैं फर्स्ट लेयर चलाया, और यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर के लिए एचपी पेंसिल का यूज करके मैं पूरे फेस में दे रहा हूँ। एंड देन उसके बाद सेकंड लेयर भी मैं एचपी पेंसिल का ही यूज कर रहा हूँ, लाइक डार्क कर रहा हूँ, और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करता हूँ कॉटन के हेल्प से। ठीक है, आप लोगों ने जैसा कि वीडियो में देखा ही, कॉटन का हेल्प मैंने करा और उससे मैं ब्लेंड करा। ब्लेंड करने पर काफी ज्यादा स्मूथ ब्लेंड होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं डार्क की ओर जा रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डार्क होता है वो मैं 4B या फिर 6B पेंसिल का यूज़ करता हूँ, और उसे हार्ड ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करता हूँ। और देख सकते हो हार्ड ब्रश का हेल्प का यूज़ करके ब्लेंड करने में काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाता है, और बाकी अपना अपना कॉटन तो है ही है, कॉटन यूज़ करके आप लोग और भी अच्छा स्मूथ ब्लेंड कर सकते हो। बाकी देख सकते हो इसी तरह करके मैं पूरा जो आर्टवर्क है वो ड्रॉ करूँगा, और जहाँ पे मुझे लगता है कि बताना चाहिए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं बताऊँगा। बाकी आप लोग वीडियो को भी देख के समझ सकते हो कि किस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी डाउट वगैरह रहता है वो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं वहाँ पर कमेंट में बताऊँगा। और जो भी नए व्यूअर्स यार, फर्स्ट टाइम हो या फिर रेगुलर व्यूअर्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो जरूर कर लेना, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और इसी तरह के वीडियो आएंगे। और लास्टली इसका जो और एक वीडियो आएगा उसमें ये मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, जो कि कल या परसों वो भी आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी मैं बताऊँगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं एक बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, उसको आप सुन के इन्जॉय करके आप लोग वीडियो देखो और ड्रॉ कर लो, है ना।
falling down these lies again. This feeling that I had deep down inside. गाइस यार यहाँ पे जो भी देख सकते हो मेरे पास जो वाइट पेंसिल है, मैं ये कौन सा पेंसिल है इसका यूज़ करके मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग भी अपने आर्टवर्क में इसी से डिटेलिंग कर सकते हो या फिर टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसिकली बता देता हूँ, ये है चारकोल पेंसिल, है जनरल्स की चारकोल पेंसिल है, वाइट चारकोल पेंसिल है। इसका यूज़ करके मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास टॉम्बो मोनो इरेजर है या फिर कोई भी इरेजर वगैरह है या फिर जनरल्स की चारकोल नहीं है, कोई भी चारकोल है जो कि व्हाइट चारकोल है, उससे आप लोग यहां पे शेडिंग कर सकते हो, जो भी डिटेल है डिटेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूं। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखो और एंजॉय करके ड्रॉ करो।